वेस्पा 125 नॉटे। आज इस स्कूटर के बारे में मैं आपको कोशिश करूंगा वो सारे बेसिक फीचर्स आपको बताऊं जो आपको इस गाड़ी को खरीदने से पहले जानना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से वेस्पा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है, और ये नॉटे मैट ब्लैक कलर है जो कि आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से देखने में लगती है। अब वन बाय वन मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करूँगा कि ये गाड़ी में क्या फीचर्स है, और इस गाड़ी इसको आप जब लीजिएगा तो ये 125 सीसी की गाड़ी आपको कितनी अच्छी देखने को मिलेगी। तो चलिए वन बाय वन मैं देखता हूँ। तो ये 125 सीसी की इंजन है और कुछ इस तरह से। इसकी ख़ास बात क्या है कि इसका इंजन बिल्कुल सेंट्रलाइज है, जो कि हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो इसको अगर हम दिखाएँ तो इंजन आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो जब आप सीट खोलिएगा, पोजीशन जो मिलेगा आपको ये हेलमेट रखने का, इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का लॉक का ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जब आप इसके अंदर आप देख रहे हैं तो आपको डायरेक्टली देखने पे आपको दिखाई दे रहा हो कि बिल्कुल सेंटर में इंजन इसका सेट किया गया है। तो ये एक इसकी अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं ये साफ़ सफाई के नज़रिए से। और इसका हेलमेट का जो बेस देखिए आप, फुल फेस सबसे बड़ा वाला हेलमेट इसमें आराम से रख सकते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे कितना अंदर तक हाँ जाता है, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया आपको यहाँ पे दिया जाता है ये आराम से। इसके साथ इस गाड़ी में आपको 7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो कि आसानी से इस तरह से खोला जा सकता है, और यहीं पे आपको बैटरी का सेटअप मिलता है। उसके बाद अगर पीछे का टेल लैंप देखा जाए तो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, और ये जो आपका एग्जॉस्ट है ये इस तरह से मैटी लुक पूरा लेके चलता है जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगती है। और वेस्पा अपने आप में एक ऐसी स्कूटर है जब आपको इसको लेके कहीं से गुजरिएगा तो एक अलग लुक डिलीवर करती है आपको। तो कुछ इस तरह के देखने मिलती है। हम मीटर कंसोल में चलते हैं, तो मीटर कंसोल में आप चलिए देखिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इंडिकेटर्स, और आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है और फ्यूल मीटर भी एनालॉग मिलता है। प्लस आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, आप टाइम सेट कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि जब आप कहीं जा रहे हैं तो आपको टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बकायदा कि आपको बार बार मोबाइल निकाल के या फिर अपने घड़ी में ना देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पर आपको लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर्स, हॉर्न और ये सारे सेल्फ मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी ये है, ये इसका जो क्वालिटी मुझे देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बेहतर क्वालिटी है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे आपको बोलना ये भी चाहता हूँ कि इसका जो ये बॉडी क्वालिटी है, ये जो पूरा बेस है इस बॉडी का, ये काफ़ी मजबूत है। आप मतलब किसी और चीज़ के मुकाबले, मतलब किसी और स्कूटी के मुकाबले इसको देखिएगा तो इसका बेस काफ़ी मजबूत मुझे देखने को मिलता है। तो इसके बारे में बोलना मुझे ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ से एक छोटा सा आपको डिक्की मिल जाता है जिसको आप बिल्कुल इस तरह से एक नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको अगर पुश कीजिएगा तो ये आपका ये खुल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इस तरह पुश करने पे ये निकल जाता है। इस स्कूटर को अगर आप पटना में लेना चाहते हैं तो ऑटोमोडा पटना गूगल में सर्च कीजिए, 2 जगह मौजूद है, कंकरबाग और पाटलिपुत्रा में। तो आप पटना से ले सकते हैं इस स्कूटर को। यहाँ फ्रंट लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलती है जिसमें आपको हाइलोजन बल्ब मिलता है, और कुछ इस तरह से आपको चमकदार, मतलब ये कुछ अलग लुक लेके चलती है, मतलब काफ़ी अच्छा सुंदर देखने में लगता है। इसका इंडिकेटर आपको बॉडीज़ में मिलती हैं, और इसके में आपको जो रुई रिम मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है जिसमें ट्यूब टाइप टायर्स अवेलेबल हैं, और इसका जो फ्रंट व्हील है वो 11 इंच का है, और रियर व्हील आपका 10 इंच का मिलता है। इसके साथ मैं ख़ास चीज़ एक और आपको बताऊँ कि इसका जो ये हेडलाइट आपको देखने को मिल रहा है ये अनब्रेकेबल है, मतलब ये टूटेगा नहीं, ये इतना ज़्यादा मजबूत है ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो इसका जो है मतलब प्रमाणित भी किया है इसने, कुछ हार्ड टेस्ट करके आपको दिखाया गया होगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे दोनों आगे पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। तो इसका एक शोरूम प्राइस पटना में आपको 74,800 के आसपास पड़ेगा, जो कि आप इस नंबर पे कॉल करके पटना में अगर रहते हैं तो फाइनेंस की फैसिलिटी का भी जानकारी ले सकते हैं। और बेसिकली कुछ इस तरह का ही गाड़ी ये देखने को मिलता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है और व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण आपको कुछ खास दिक्कत कभी नहीं होगी। और पैर रखने का स्पेस और पैर फिसले ना, इसके लिए कुछ इस तरीके से इसमें बेस बनाए गए हैं, और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, और यहाँ पे हुक मिल जाता है जिससे आप सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये लोगो दिखता है आपको वेस्पा लिखा हुआ, वो 3D लोगो के साथ यहाँ भी मिल जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैं दिखाऊं तो। और यहाँ भी नॉटे लिखा हुआ मिल जाता है, ये आप 3D देख रहे होंगे कितना उठा हुआ है, और आगे भी आपको उसी तरीके से कुछ देखने को मिल जाता है। अगर आप इस वेस्पा नॉटे का टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे
कॉल कीजिए अगर आप पटना में रहते हैं तो, और टेस्ट ड्राइव लीजिए और बाकी सारी जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो होपफुली आपको मैंने पूरा गाड़ी दिखाया हो, अगर कुछ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये एड्रेस है दोनों शोरूम का। धन्यवाद।